Hey guys, this is your host and host Monica. Welcome back to my YouTube channel. और एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी पांच गलतियाँ, फाइव मिस्टेक्स जो हम स्टेज पर करते हैं। आप कहेंगे भाई, इस टॉपिक पर मैं पहले भी बहुत बोल चुकी हूँ, कई बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा पब्लिक स्पीकिंग का चैनल है और मेरा ये फर्ज बनता है, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाऊँ, बार बार आपको डूज एंड डोंट्स बताऊं कि आपको स्टेज पर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहली गलती है जो स्टेज पर कई लोग कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है, वो है, एक तो बहुत ज्यादा नर्वस आपको नहीं होना है। लोग या तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, अपनी जो नर्वसनेस है उसको छिपा नहीं पाते हैं, जबकि मैंने आपको कई बार तरीके बताए हैं कि कैसे आप स्टेज फियर का सामना करें। यदि आपने मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको पता लगेगा कि कैसे स्टेज फियर का सामना करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं होना है। नर्वसनेस की वजह से हम स्टेज पर बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं और आपकी जो ऑडियंस है उनको पता बिल्कुल चल जाता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। तो नर्वस आपको बिल्कुल नहीं होना है, और कई बार बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट की वजह से हम गलतियाँ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर 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 कर देते हैं। स्टेज पर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जाते हैं तब भी आपका मामला फेल हो जाता है, क्योंकि स्टेज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपनी नर्वसनेस को भी बिल्कुल बैलेंस रखना है और आपको अपने जो एक्साइटमेंट है उसको भी कंट्रोल में रखना है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आप कोई ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हैं, कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो कि आपके परफॉर्मेंस को ख़राब कर देती है। तो बहुत ज़्यादा ओवर आपको नहीं करना है, आपको बैलेंस में रहना है दोनों चीज़ों को, घबराहट को, नर्वसनेस को भी कंट्रोल में रखना है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। जो दूसरी गलती है वो ये है कि आप अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको गलत रखते हैं। मैंने बॉडी लैंग्वेज पर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है, हाल ही में मैंने उसे अपलोड किया है, आप जाकर उस वीडियो को देखिए, तो आपको बॉडी लैंग्वेज कैसे अच्छी रखी जाए पब्लिक स्पीकिंग में, उस पर मैंने कुछ टिप्स दी हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो गलत बॉडी लैंग्वेज से आपका जो स्पीकिंग है, जो स्पीच है, वो ख़राब हो जाता है। कुछ लोग नर्वसनेस की वजह से पूरे स्टेज पर चहलकदमी करने लगते हैं, बात कहते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, राइट में जाते हैं, लेफ्ट में जाते हैं और स्पीच को देते हैं, या फिर थोड़ा सा हिलना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, उनको पता ही नहीं चलता कि वो इस तरीके से हिल रहे हैं और उनकी जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगने लगती है। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। कुछ लोग अपने हाथों को ऐसे बांध लेते हैं या अपने हाथों को इस तरीके से रख लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें बैरियर होती है आपके और आपके ऑडियंस के बीच में। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, आपको अपने हाथों को खुला रखना है, सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, अपने पैरों को सही पोजिशन में रखना है, ऐसे बिल्कुल सावधान होकर नहीं खड़े होना है, बिल्कुल कंफर्टेबली खड़े होना है और अपनी बात को कहना है। और हाँ, आई कांटेक्ट ज़रूर करना है अपनी ऑडियंस के साथ। जब आप स्टेज पर बात करें तो हमेशा अपनी नज़रों को पूरे ऑडिटोरियम में लेकर जाएं, आप राइट में देखें, लेफ्ट में देखें, पीछे की तरफ देखें, आगे जो बैठे लोग उनकी तरफ देखें, तो इस तरीके से आपकी जो आंखें हैं वो पूरे ऑडिटोरियम में सबकी तरफ जानी चाहिए, ताकि आपके जो दर्शक हैं उनको ये लगे कि आप उनको देखकर ही बात कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पीच है वो और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो आई कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी जो गलती है वो ये है कि कई लोग बिल्कुल रट कर जाते हैं अपनी स्पीच को, लाइन टू लाइन पूरी स्पीच को रट लेते हैं। लोग बिल्कुल शब्दशः पूरी स्पीच को लिख लेते हैं, क्लिष्ट हिंदी में आपने पूरी स्क्रिप्ट को तैयार कर लिया और फिर आपने पूरा लाइन टू लाइन उसको याद कर लिया। अगर आप इस तरीके से करते हैं, रट लेते हैं पूरी स्पीच को, बिल्कुल शब्दशः याद कर लेते हैं, तो 100% आपकी स्पीच स्टेज पर जाने के बाद खराब हो जाएगी, क्योंकि नर्वसनेस की वजह से आप भूल जाएंगे कि अगली लाइन क्या थी। एक लाइन याद आ गई, दूसरी लाइन याद नहीं आई, तो आप घबरा जाएंगे और आपकी जो घबराहट है वो लोगों को दिख जाएगी।
ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, रट कर बिल्कुल नहीं जाना है, आपको हमेशा पॉइंट याद करना है, इस पॉइंट पर बात करनी है, उसके बाद इस पॉइंट पर बात करनी है, उसके बाद इस पॉइंट पर बात करनी है, कभी भी स्पीच को शब्दशः लाइन टू लाइन रटना नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग में आपकी जो ऑडियंस है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी ऑडियंस को पहचानना आवश्यक है। आप जब भी कहीं स्पीच दे रहे हैं या एंकरिंग कर रहे हैं तो आपकी जो ऑडियंस है उनको पहचानिए, उनके बारे में जानिए, वो किस एज वर्ग के हैं, वो क्या पसंद करते हैं, किस तरह का एक टॉपिक पर आप बात करने वाले हैं, ये सारा जो उनका इंटरेस्ट है ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा रिसर्च करके पता कीजिए और उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट को तैयार कीजिए। यदि आपने अपनी ऑडियंस को नहीं समझा और अपना जो रटा रटाया भाषण है उसको दे दिया बिना ये परवाह किए कि लोग मेरी बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, जो ऑडियंस बैठी है वो इंटरेस्ट ले रही है या नहीं ले रही है, या फिर वो बिल्कुल उबासियाँ लेने लगी है आपकी बातों को सुनकर, तो आपको अंदाजा लगाना है आपके जो ऑडियंस है उनको देखकर कि भाई मेरी बात इनको पसंद आ रही है या फिर मैं कुछ चेंज करूँ, किसी और टॉपिक पर बात करूँ, कहीं मैं बहुत ज़्यादा बोर तो नहीं हो रही, कहीं मैं कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रही। कई बार लोग बहुत लंबी लंबी स्पीच देने लगते हैं, 5 मिनट का समय है, 10 10 मिनट 15 15 मिनट की स्पीच देते हैं और वो भी इतनी ज़्यादा बोरिंग होती है, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता कि लोग उनकी बातों से बोर हो रहे हैं, उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा आपकी स्पीच को सुनकर। तो अपनी ऑडियंस को समझें, पहले से तैयारी करके जाएं, प्लस वहाँ पर भी माहौल को देखें। आपने आधी अपनी स्पीच कर ली और आपको यदि ऐसा लग रहा है कि मेरी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लग रही है लोगों को, तो प्लान बी को तैयार करके जाइए कि कुछ और कहिए, टॉपिक को चेंज कीजिए, कुछ मज़ेदार कहिए, कोई अच्छा सा शेर सुना दीजिए या फिर कोई स्टोरी के फॉर्म में लोगों को कोई बात बताइए, क्योंकि लोगों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। हम कहानी जब सुनाकर किसी बात को कहते हैं तो वो हर किसी को पसंद आती है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, तो ये तरीका ज़रूर अपनाइए। 5वीं गलती है तैयारियों में कमी। भाई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे सक्सेस पाएंगे? किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगी, आपको तैयारी तो करना ही पड़ेगी। आप मेहनत नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, बार बार उस चीज़ को समझेंगे नहीं, तो कैसे वो कॉन्फिडेंस लेकर आ पाएंगे? यदि आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना होगी। आप मेरा ही एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे जो यूट्यूब चैनल के शुरुआती वीडियो हैं उनमें और आपके वीडियो में कुछ फर्क आपको नजर आएगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं सुधार करने की कोशिश करती हूँ, मैं हर बार कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। मैंने किसी एक जगह पर अपने आप को फिक्स नहीं रखा है, मैं हर बार कुछ नया करने का प्रयास करती हूँ, कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि आप खुद में सुधार नहीं करेंगे, खुद को आगे नहीं बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? आपको प्रैक्टिस करना होगी, अपनी कमियों को दूर करना होगा और आगे बढ़ते जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यदि नहीं करेंगे, इन गलतियों का ध्यान रखेंगे, तो आई एम श्योर आप बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बन पाएंगे, बहुत अच्छी स्पीच दे पाएंगे और लोग आपको सुनने के लिए बेकरार होंगे। तो ये थी वो 5 गलतियाँ जिनको आपको बिल्कुल नहीं करना है, और स्टेज पर जब भी आपको बोलने जाना है, स्पीच देनी है, एंकरिंग करनी है, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, लेकिन कुछ भी ओवर नहीं करना है। तो आज का वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। यदि आप में से कुछ लोग पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो उन तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी थोड़ी मदद हो सके। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपके कोई सुझाव है या किसी विषय पर आप बात करना चाहते हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ा है तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मेरा जो मेल आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मेरा जो फेसबुक का पेज है और इंस्टाग्राम का आईडी है वो भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक
आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।